गाइस वेलकम टू द फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सो लेक्चर 45 विल बी बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मीनिंग एंड स्कोप। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमें पता है कि आज के दिन प्रेजेंटली सोसाइटी काफी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, इकोनॉमी डेवलप हो चुकी है, तो सोसाइटी का नेचर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। सोसाइटी का नेचर कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम बढ़ता जा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट का काम बढ़ता जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास ज्यादा से ज्यादा पावर आती जा रही है, अलग अलग तरीके ढूंढे जाते हैं ताकि वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल सेट किए उन्होंने, उनको अचीव कर सके। लेकिन एक चीज यहाँ पर जरूरी है बतानी कि कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करना ये एक जगह सही है, लेकिन गवर्नमेंट को हमेशा अकाउंटेबल रखना, एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल रखना भी जरूरी है। और किस तरीके से, एक तो ये कि कुछ कर दिया है उसके बाद में आप उसकी कंप्लेन कर रहे हो, ठीक है, और एक ये कि कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जाएं, ऐसे लॉ रेगुलेशंस ऐसे डिजाइन कर दिए जाएं कि एडमिनिस्ट्रेशन चाह करके भी उन रूल्स को नहीं तोड़ सके, ठीक है। तो ये जो रूल्स होते हैं, ठीक है, इन रूल्स को ही अलग अलग नाम से बोला जाता है, चाहे इनको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कह लो, चाहे इनको लॉ और रूल मेकिंग कह लो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन कह लो, डेलीगेटिव, आपका मन है, आप चाहे इनको किसी भी नाम से बुला लो, ओके। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द बॉडी ऑफ लॉ, बहुत सारे लॉ होते हैं ऑब्वियसली, दैट गवर्न द एक्टिविटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है उन सबके काम को गवर्न करती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होते हैं, ओके। एंड एक बहुत प्रोमिनेंट थिंकर हुए हैं, ठीक है, इंग्लिश ज्यूरिस्ट, जिनको थिंकर नहीं, इंग्लिश ज्यूरिस्ट हुए हैं, नाम है डाइसे, आपने सुना भी होगा शायद, और नहीं सुना तो हम नेक्स्ट टॉपिक में उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो स्कोप अगर हम देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का स्कोप अगर हम देखें, सो स्कोप मतलब किस हद तक ये मतलब काम आता है या क्या फायदा क्या है इसका, ठीक है, क्या फंक्शन क्या है, रोल क्या है इसका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग क्या करता है, वो सब कुछ बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो पर्टिकुलर एजेंसी है वो किस तरीके से डिजाइन करेगी, क्या काम करेगी और काम करने का तरीका क्या होगा, ओके। सो बेसिकली डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी पावर्स क्या होंगी, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटीज क्या होंगी, ठीक है। एंड द एम्फेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ऑन प्रोसीजर फॉर फॉर्मल एडजुडिकेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फॉर रूल मेकिंग। बेसिकली ये जो सारा कुछ डिजाइन किया जाता है ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाता है। एंड द कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज फाउंडेड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत के ऊपर ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाला जो कंसेप्ट है ये बेस्ड है। पहली बात तो ये कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर कहाँ से आती है, वो पावर आती है जब उनको कोई कानून के थ्रू उनके पास वो पावर हो, ठीक है। सेकेंड, कोई भी पावर एब्सोल्यूट नहीं होती, अनकंट्रोल नहीं होती, उसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। सो देयर शुड बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सरसाइज ऑफ सच पावर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। हमेशा जो पावर आप देते हो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उस पावर पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होना जरूरी है, ठीक है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कितने रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए उस हिसाब से, ओके। देन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उतना ही पुराना है जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अलग अलग नहीं रह सकते। अगर एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी भी होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी कैसे बनेंगी, किस तरीके से उनका काम होगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये सारी चीजें कौन गवर्न करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से अलग हो ही नहीं सकता, सो इतना ही पुराना है जितना एडमिनिस्ट्रेशन है। एंड अगर आप इंडिया की बात करो तो ये अर्ली साइंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, या आपको बहुत जो हमारे एंशियंट ट्रिटाइजेस हैं, मतलब जो पुराने जो ग्रंथ हैं उनके अंदर मिल जाएंगे, जैसे मौर्यास के टाइम पे, गुप्तास के टाइम पे, मुगल्स के टाइम पे, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, आपको बहुत सारी जो ग्रंथ है स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से डील करती है, काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ओके। तो ये बताता है कि ये हिस्टोरिकल वे से चलता आ रहा है। थर्ड थिंग इज दैट इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ दैट सपोर्ट नेचुरल जस्टिस। ये क्या कहता है? ऑब्वियसली यही है कि कानून बना दिया और उस कानून के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, यही तो है रूल ऑफ लॉ, और वो क्या है? नेचुरल जस्टिस है, ओके। इट इज टू प्रिवेंट वायोलेशन ऑफ पीपल्स राइट बाई ऑफिशियल इन पावर, जिन लोगों के पास पावर है वो पावर का गलत यूज ना करे, जो लोगों का राइट है, लोगों के हक जो है उनका वायोलेशन ना हो, तो इन चीजों को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिजाइन किए जाते हैं, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्पेसिफाइज द राइट्स एंड लायबिलिटी कैन बी एनफोर्स्ड बाई दोज प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड इट प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमेशा याद रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, उसमें हमने अलग अलग एजेंसीज के बारे में पढ़ा था, अलग अलग टेक्निक के बारे में पढ़ा था, बट ये क्या है,
एडमिनिस्ट्रेशन जब डिजाइन किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज को या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को जब डिजाइन किया जाता है तभी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लागू होता है यहाँ पर. ओके, सो ऑब्वियसली इट प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑल्सो देर आर स्पेसिफाइड लॉ एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गाइड्स एंड डायरेक्ट द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे हायरार्की कैसी होगी, डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होगा, तो ये इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को भी रेगुलेट करते हैं जो स्पेसिफाइड लॉ एंड रेगुलेशन होते हैं. ओके, सो फर्दर बात करते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में, फायदा क्या है इसका. सो इट इज वेरी सिग्निफिकेंट क्योंकि डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी मतलब क्या है, लोगों के पास पावर है, लोग एम्पावर्ड हैं. तो वो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं है तो डेमोक्रेसी का या गवर्नमेंट जो पीपल ओरिएंटेड वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नमेंट है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता. ठीक है, सो द वेरी कंसेप्ट ऑफ हैविंग अ डेमोक्रेसी एंड अ गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द पीपल वुड बी सेल्फ डिफीटिंग. खुद ही ये वर्ड्स जो हैं वो अपने आप को डिफीट कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज देर वुड बी नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल टू एनीबडी. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं है तो पब्लिक ऑफिशियल किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो ये क्या सेल्फ डिफीटिंग वर्ड बन जाएगा डेमोक्रेसी का होना, क्योंकि क्या है डेमोक्रेसी, हम कैसे कंट्रोल करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हमारे पास कोई हथियार ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं है हमारे पास. और वो पावर कहाँ से आती है, वो पावर आएगी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से. ओके, द एडमिनिस्ट्रेशन वुड रन आर्बिट्रेरली दस क्रिएटिंग अ ह्यूज मॉन्स्टर दैट वुड ईट अप द वेरी सिस्टम. एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है. एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिक्स का बैलेंस होना जरूरी है. ओके, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल नहीं किया, उसको सीमलेस पावर दे दी, तो क्या होगा, एक इतना बड़ा दानव बन जाएगा, इतना बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा कि वो पूरे सिस्टम को खा जाएगा. ओके, एंड देर वुड बी एन एब्सेंट इन द बैलेंस इन एरिया. कुछ सिस्टम में मतलब कुछ एरियाज में काफी बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, जैसे पुलिस लॉ है, टैक्सेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ब्रॉडकास्टिंग एक्सेट्रा. तो इन चीजों के लिए बैलेंस बने रहने के लिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करते रहने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का होना बहुत जरूरी है. ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक जो है आज का वो रहेगा रीजन फॉर ग्रोथ. क्यों आया ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्यों है, क्यों चाहिए हमें. ओके, सो पहली बात तो ये, rising complexity warranted handling of variable by the state authority in order to provide functioning in that area with necessary certainty and prescription. सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया society का nature complex होता जा रहा है. ठीक है, so इन सारी चीजों को handle करने के लिए काफी सारे वेरिएबल्स होते हैं. जब कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि काफी सारे फैक्टर एक साथ आ रहे हैं तभी तो कोई चीज कॉम्प्लेक्स हो रही है. सो उन चीजों को डील करने के लिए स्टेट अथॉरिटी के पास कुछ सर्टेनिटी और कुछ प्रिस्क्रिप्शंस होने जरूरी हैं कि आप इस पर्टिकुलर मैटर को इसी तरीके से डील कर सकते हो, ताकि आप उनको एक मतलब स्टेबिलिटी बनी रहे सोसाइटी के अंदर और सर्टेनिटी बनी रहे. सेकेंड थिंग इज दैट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, नई सिटीज बनी है, नए टाइप की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आई है, और इस तरीके से क्या है गवर्नमेंट का काम भी चेंज हुआ है. सो प्रोडक्शन सप्लाई एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इन सब चीजों को फैसिलिटेट करते रहने के लिए, इन सब चीजों को मेंटेन करते रहने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का होना जरूरी है. थर्ड थिंग, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन. आज के दिन जैसे डिजिटल वर्ल्ड काफी ज्यादा मतलब बढ़ चुका है, एंड इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन हैज कॉल्ड फॉर द इंक्रीज्ड नीड फॉर स्पेशलाइज्ड हैंडलिंग ऑफ अफेयर बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. सो टेक्नोलॉजी इन्वेंशन को देखते हुए भी ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है. फोर्थ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए. फिफ्थ, एक्सपेरिमेंटेशन हो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे सिचुएशन भी चेंज होती है, नई नई चैलेंजेस आते हैं, नई सर्कमस्टांसेस इवॉल्व होते हैं. तो उन सर्कमस्टांसेस से डील करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये तरीका सबसे बेस्ट होगा. और उस तरीके का पता कैसे लगाओगे, जब आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे. ओके, सो टू अलाउ एक्सपेरिमेंटेशन इन ऑर्डर टू एंश्योर द एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट फिट मॉडल इन अ गिवन सर्कमस्टांसेस. एंड द लास्ट वन इज दैट टू अलाउ पार्टिसिपेटिंग ऑफ पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग. लोगों को एम्पावर करने के लिए, लोगों के मतलब लोग पार्टिसिपेट करें एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग के लिए, तो इसके लिए भी ज्यादा जरूरी है. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डील करेंगे डाइसी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट.